नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सुई देने वाला पेड़। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो भाई बड़ा था वो बहुत ही खराब बर्ताव करता था अपने छोटे भाई के साथ, जैसे कि प्रति दिन छोटे भाई का सब खाना खा लेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ लाएगा, जिसे वो बाद में बाजार में बेच देगा कुछ पैसे के लिए। जैसे ही वह जंगल में गया, वहीं वो बहुत से पेड़ काटे। फिर ऐसे ही करते एक के बाद एक पेड़ काटने हुए वह एक जादुई पेड़ पर ठोकर खाई। ऐसे में पेड़ ने कहा, अरे मेहरबान सर, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तब मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। वह उस समय सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में लालच जागृत हुई। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज़्यादा सेब नहीं दी तो वो पूरा दर काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़ ने बड़े भाई को सेब देने के बजाय उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे बड़े भाई दर्द से मारे जमीन पर लेटे रोने लगा। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा। वही छोटे भाई को चिंता होने लगी, इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई थी। उसके मन में दया आई। वह अपने बड़े भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे सभी सुइयों को प्यार से हटाने लगा। ये सभी चीज़ें देखकर बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए छोटे भाई से माफ़ी मांगी और बेहतर होने का वादा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्हें बहुत सारे सुनहरे सेब दिया, जितना कि उन्हें आगे चलकर जरूरत होने वाली थी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सभी को दयालु और चीतल बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। धन्यवाद।